इतने दिनों बाद आपने एक इंसान से मिलवाई, इंसान नहीं उनको कुछ और ही कहेंगे, दोस्ती करवाई दी है काफी सालों बाद। नहीं नहीं ये मत पूछो, सरप्राइज रहने दो। ये क्वेश्चन कालासुर के बारे में कुछ मत पूछो। वैसे संजना आज राघव को अपनी दुनिया में लेके आ चुकी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? फाइनली मेरा प्लान सक्सेसफुल हो गया है, मेरे दुनिया में राघव आ चुका है और आज हम लोग हमारा मिलन हो जाएगा। एंड या तो संजना बहुत खुश है और वैदेही और राघव अलग हो गए। सो स्वीट है। काफी परेशान थे अपनी वैदेही से दूर होके, किस क्या कुछ करेंगे इसके लिए? संजना के वश में, संजना ने कोई कसर नहीं छोड़ी और वो मुझे यहाँ पर एक तहखाने में ले आई है। और किसकी मदद से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा, हमारे 2.0 वर्जन मिस्टर आजा भाई, आजा आजा आजा। ये दोनों बहुत गंदे हैं, मेरे को बीच में आने नहीं देते हैं। हाँ, तो ये इनकी मदद से ही ये मुझे यहाँ पर ले आई हैं। बट प्लीज वेलकम मिस्टर कालासुर, ही इज बैक एंड ही इज बैक विद मोर पावर्स। यस। वैसे राघव, आपकी लाइफ में पहले ही संजना एक आफत थी और अभी कालासुर भी, जो कि आपके पिछले जन्म में था, वापस वो आ चुके, तो अभी क्या कुछ होने वाला, कितनी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा आपको? अब हमारा शो जो है वो क्लाइमैक्स पे आ चुका है और क्रिसेंडो बिल्ड हो के एंड फाइनली हम जो माउंट करना चाह रहे हैं वो यही है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, फाइनली कालासुर पिछले जन्म में तो हमने गाड़ दिया था ज़मीन में उसको, लेकिन वो फिर वापस आ गया है। क्या इस बार हमारी प्यार की जीत होगी? क्या हम, मैं और वैदेही जिंदा रहेंगे इनको हरा कर? ये जो काली शक्तियाँ मेरे साथ खड़ी हैं, ये इन्होंने मुझे घेरा हुआ है और मैं अपनी वैदेही को बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि वो होती तो शायद हम और डट के सामना कर सकते इनसे। तो यही तो प्लान है भैया, मैं अलग करना वैदेही से। तो क्या सर, आप वैदेही के, आपको याद आएगा वैदेही के प्यार में गिरेंगे फिर से, या संजना मैम आपको ले जाएंगी? संजना मैम ले जाएंगी मुझे। संजना मैम कितने कितने रिस्पेक्टफुली, संजना काली शक्ति को संजना मैम। ओके वश में कर चुकी है, क्या कुछ करेंगी? काफी उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है। हाँ, मुझे अब मैं पूरी तरह से वश में कर चुकी हूँ, तो अब बस मिलन का वेट है एंड उसके बाद जो बच्चा हमारा होगा वो और ज्यादा पावरफुल होगा और ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो वो फिर कालासुर से लड़ेगा। वो मेरे पे जाएगा, आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगा आई थिंक, बिकॉज जैसे कि डायलॉग में बोला है, पवित्र शक्ति, पवित्र प्यार और जो काली शक्ति का मिलन जब होता है, दैट्स मोर पावरफुल, दैट्स व्हाट आई सेड इन द लाइन। तो मतलब वो मिनी कालासुर आएगा, हम दोनों का जो अंश होगा वो एक छोटा, इमेजिन हिम कंप्रेस्ड वर्जन, छोटा सा मिनी, आई थिंक ही विल बी वेरी क्यूट दाढ़ी के साथ। वैसे कालासुर आपने कमबैक किया है, पिछले जन्म में इतना कुछ किया है, इस जन्म में क्या कुछ करने वाले, क्या नया ट्विस्ट लाने वाले? मेरा तो एक ही टारगेट रहता है कि गौरी को पाना है। अब गौरी का अगले जन्म में भले ही वैदेही नाम हो जाए या इससे आगे पूजा हो जाए, लक्ष्मी हो जाए, सरिता या सीता हो जाए, सरिता हो जाए, मुझे गौरी को किसी भी हालत में पाना है। और पाने क्यों पाना चाहता है, व्हाट इज द एजेंडा? तो पाके फिर क्या करेगा? वही सेम थिंग। तुम दोनों दो शादी करो, तुम दोनों दो शादी करो, तीन दिन शादी करो, कालासुर एक भी ना करे। देखो सिस्टम, देखो इनका, कालासुर ऐसे ही मर जाएगा, कुंवारा कुंवारा लक्षण तो ऐसे ही है। फिर इस बार आप वैदेही को हासिल कर पाएंगे? अरे बिल्कुल हासिल करूंगा, जब तक हासिल नहीं करूंगा तब तक इस दुनिया से जाऊंगा ही नहीं। हौसले बुलंद है, हौसले बुलंद है, वेरी गुड। और अब वैदेही बीच में आ चुके हैं फिलहाल तो। हाँ, अब वैदेही को हासिल करने देंगे कालासुर? बिल्कुल नहीं करने दूंगा, अभी तो फिलहाल वश में डट के सामना करूंगा यार, जैसे पहले मारा था कालासुर को, इस बार भी विनाश कर देंगे हम।